हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। आप सभी का स्वागत करती हूं। जल्दी से सभी साथी लाइव आइए और शुरुआत करेंगे दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्लास की। ठीक है, बिल्कुल। मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है, यानी आपका जो क्या है ये डिस्कशन ग्रुप, इसमें भी मैंने आपके पास लिंक डाल दिया है जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट से सभी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल एक बार कमेंट करके मुझे बताइए ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है जी। सभी साथी एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे एवरीथिंग इज क्लियर। जय हिंद। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एक बार कमेंट कर दीजिए आप सभी लोग। यस, ओके, वरना क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग अपना विज्ञान विषय का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इसी क्लास में। ठीक है, इस ये आपकी विज्ञान की लास्ट क्लास होगी। इसका जितना भी सिलेबस अभी बचा हुआ है, जो भी चैप्टर्स, आज की ही क्लास में हम उसको पूरा फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग तैयार हो जाइए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब कमेंट करना बंद करेंगे सभी लोग और ध्यान देंगे क्लास में बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, हर टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से। स्पीड का भी ध्यान में रखूंगी। चलिए दोस्तों फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने कल की क्लास में कहाँ तक कवर कराया था आपको, तो मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारी रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में हमने जाना। ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडीज के बारे में हमने जान लिया। आज हम लोग बात करेंगे रक्त से संबंधित होने वाले जो रोग है उनके बारे में जानकारी लेंगे, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर्स के नाम आपको मैं बताती हुई चली जाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल। अनामिका, अभी ये क्लियर नहीं है कि फोर्थ वालों के साथ आपके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। ये तभी क्लियर हो पाएगा जब एडमिट आपके भी एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, श्रवण, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं लिंक मैंने आपका जो डिस्कशन ग्रुप है वहां भी मैंने शेयर किया था आपको, और जो आपका मेन ग्रुप है वहां भी मैंने आपको शेयर किया था लिंक, दोनों जगह पे, इसी वजह से कि कोई रह ना जाए। चलो दोस्तों फिर कल से आगे अब शुरुआत करेंगे आज की क्लास में। सभी लोग अब कमेंट करना बंद करेंगे, क्लास पर ध्यान दीजिए सभी। तो यहां तक हम लोगों ने कल कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं कुछ प्रमुख रोगों के बारे में जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रुधिर संक्रमण से होने वाले रोग कौन कौन से है। ठीक है, यानी यहाँ पर रुधिर यानी ब्लड के संक्रमण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो हेपेटाइटिस बी और एड्स, इन दो के नाम आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इनके बारे में हम डिटेल में अभी आगे जानने वाले हैं, एड्स के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से, हेपेटाइटिस बी के बारे में भी बहुत अच्छे से आगे हम लोग बात करेंगे। अभी दोस्तों शुरुआत है, तो यहाँ से हम कुछ सिम्बल्स हैं इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ सिम्बल्स आपके सामने हैं। ठीक है, ललित मेन ग्रुप में भी मैंने शेयर किया है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो ये आप सिंबल दे रहे हैं, आपको सिंबल बनाने के लिए भी कई बार दे दिए जाते हैं कि रेड क्रॉस का सिंबल बनाइए। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस के निशान के जैसे आपको एक सिंबल बना के उसमें थोड़ा सा रेड कलर कर दें आप, तो ये रेड क्रॉस बन जाता है। ठीक है, तो इस आप अपने पास एक रेड
स्केच या एक रेड पेन भी रखिए, अगर आपसे बनाने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे करके बना दीजिएगा, ये रेड क्रॉस का साइन हो जाएगा। ठीक है, रेड क्रॉस का साइन आपने देख लिया कैसा होता है। अगर आपसे साइन लेकर के पूछा जाए ये किसका साइन है, तो आप बताएंगे परिवार कल्याण का साइन है। इसके बाद रेलवे लाइन का साइन आप लोग बिल्कुल जानते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इसमें तो कोई गलत होने वाली बात है ही नहीं, ये रेलवे लाइन का साइन है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पुल का साइन है कि यहाँ पर पुल बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स थे जो आपकी बुक में आपको दिए गए थे, उनको मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, आएंगे तब ठीक, नहीं आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेड क्रॉस का आपको बिल्कुल डेफिनेटली याद रखना है और एड्स का सिंबल भी आपको याद रखना है, ये दो तो मस्ट है। तो पुल का ऐसा साइन होता है। इसके साथ ही रेड रिबन, रेड रिबन जो आप ये देख पा रहे हैं ये किसका साइन होता है, कोई मुझे बताएगा इस तरह से ये साइन किसका होता है, ये साइन किसका होता है रेड रिबन वाला साइन? ये दोस्तों एड्स का चिन्ह होता है। ठीक है, किसका? एड्स का चिन्ह होता है, एड्स का चिन्ह रेड रिबन होता है। ठीक है, एड्स जो रोग होता है उसका चिन्ह कैसा होता है? रेड रिबन वाला, जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके बना दिया जाता है एक रिबन, तो ये किसका साइन है? एड्स का साइन है, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा एड्स के बारे में जानेंगे क्या क्या लिखा गया है। तो एड्स रिबन का संबंध एड्स बीमारी से होता है, ये इसके बारे में बताया गया है। एड्स को इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं जो कि आपको अभी दिख रहा है सामने। एड्स रोग HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस की वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है। ठीक है, HIV वायरस की वजह से ये रोग होता है। कौन सा? एड्स का रोग। किस वायरस की वजह से? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस की वजह से। ठीक है, कौन से? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस की वजह से ये रोग होता है। ऐसे व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव में होता है। बहुत बढ़िया। तो HIV की फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ ली जाती है कि HIV की फुल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस, इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म होगी। बहुत बढ़िया। दोस्तों इसी के साथ आप एक और चीज जानते हुए चलेंगे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एड्स डे, ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एड्स के लक्षण क्या क्या है, आपके DLED 2019 में पूछा गया प्रश्न है, एड्स के लक्षण कौन कौन से होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि भाई एड्स हुआ है। ठीक है, तो एड्स के लक्षण है जैसे भूख ना लगना, उसके साथ शरीर के वजन में कमी आ जाना, है ना, और बुखार होना, त्वचा पर ददोरी पड़ना, ददोरी मतलब साफ साफ सफेद सफेद चकते पड़ जाते हैं स्किन पर। ठीक है, इसके साथ बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है बहुत। ये सभी क्या है? इसके एड्स के लक्षण है। ठीक है, भूख ना लगना, ज्वर रहना, शरीर में कमजोरी आना, लगातार वजन कम होना, ठीक है, बहुत अधिक पसीना आने लगता है, और त्वचा पर फंगस के संक्रमण हो जाते हैं, सफेद सफेद चकते से दिखाई देने लगते हैं, दाग जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है रोगी को देखने में जैसे कुपोषण का शिकार हो गया हो। याददाश्त भी कमजोर होने लगती है, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है। तो ये सब क्या है? इसके लक्षण है। ठीक है, ये सब क्या है? इसके लक्षण है। 1 दिसंबर को है डियर, 10 दिसंबर को नहीं है, बिल्कुल 1 दिसंबर को है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर एड्स के कारण क्या क्या है, यानी एड्स जो रोग होता है वो कैसे होता है, उसके क्या कारण है, ये जानना बेहद जरूरी है। कारण भी आपसे कई बार, पिछली बार लक्षण पूछे, हो सकता है इस बार कारण पूछ ले, तो कारण भी आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि किस किस वजह से जो एड्स रोग है ये हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एड्स कैसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, यानी एक से दूसरे में फैलती है। ठीक है, बिल्कुल, संपर्क में आने से क्या होती है? फैलती है।
ऐसा नहीं कि हाथ लगा दिया तो दूसरे को भी एड्स हो गया, इस तरह से नहीं। देखिए कैसे कैसे होगा। पहला है रक्त आधान में असावधानी वश रक्त की जांच न होना। आधान का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति में खून की कमी है और उसको दूसरे व्यक्ति के द्वारा खून चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर जांच नहीं हुई सही तरीके से खून की, और जिस व्यक्ति का खून चढ़ाया जा रहा है उसको एड्स है, तो दूसरे व्यक्ति को भी फिर एड्स हो जाएगा जिसका खून, जिसमें उसका खून चढ़ाया गया है, ठीक है। तो यही इसका कहने का अर्थ है। दूसरा, अगर बात करेंगे संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया रेजर, ठीक है, इंजेक्शन या सुई जिसको सीरीज बोलते हैं, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए गए रेजर, इंजेक्शन या सुई को किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दे तो भी क्या हो जाता है, दूसरा व्यक्ति भी उसके संक्रमण में आ जाता है और उसको भी एड्स हो जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। और क्या हो सकता है, जैसे संक्रमित माता है कोई, ठीक है, उसके गर्भ में शिशु है तो उसके शिशु को भी फिर एड्स हो जाएगा। अगर माता संक्रमित है एड्स से तो उसके शिशु को भी संक्रमण हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी क्या है, इसके कारण होते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये सब हमने क्या देखे, कारण देखे। बीच में इस तरह के कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। लास्ट में मैं आपको समय देती हूँ दोस्तों कि आप क्लास से संबंधित, पेपर से संबंधित जो चाहे वो पूछे, बीच में पर बिल्कुल ना पूछे इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं और सबको फिर इसी बात से परेशानी होती है, ठीक है। तो कम से कम औरों का तो ध्यान रखिए, बाद में आप बिल्कुल पूछिए, मैं सबके जवाब दूंगी। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जिसको छोड़ करके मैं ऐसे ही क्लास ऑफ करके चली जाऊँ। तो यहाँ देखिए और क्या हो सकता है, हाँ, एलिसा टेस्ट के बारे में यहाँ आपसे बीटीसी 2017 में पूछा गया था कि किस परीक्षण से एड्स रोग का पता लगाया जा सकता है, वो कौन सा टेस्ट है जिससे एड्स का पता चलता है। तो दोस्तों उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट, ठीक है। क्या नाम है इसका, एलिसा टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं किसका, एड्स के बारे में। और सबसे पहले एड्स कहाँ पाया गया था, बंदरों में पाया गया था, ठीक है, बंदरों में सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ था, सबसे पहले बंदरों में पता चला था इस रोग के बारे में। इसी के साथ एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लास्ट में जब हम एक बार रिवाइज कर रहे होंगे तो इसको टेबल की फॉर्म में जानेंगे। ये लिखा है यहाँ पर विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये हमने एड्स के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें जान ली। अब एक बार फिर से ये टॉपिक आएगा एड्स वाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी मैंने इसको इंक्लूड किया है और ज्यादा डिटेल में, ठीक। तो इतना हो गया आपका, ये तो हमारा कल का किया गया काम है। तो एक बार यहाँ आ जाते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर करेंगे। एलिसा परीक्षण है, किसकी जांच में प्रयोग किया जाता है, किसकी जांच के लिए परीक्षण, परीक्षण मतलब टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट बीटीसी 2017 में पूछा गया है और बिल्कुल अभी अभी हमने इसके बारे में जाना। तो बताइए, आज तो शुरुआत में ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल गए, फटाफट से आंसर करते हुए चलेंगे, बहुत बढ़िया। पहले का क्या होगा, सी होगा। अभी हमने जाना कि एड्स की जांच करने के लिए परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण, ठीक है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। आगे बात करेंगे रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका कौन सी होती है, ये हमने कल की क्लास में बात करी थी, रुधिर का थक्का बनाने वाली कणिका कौन सी होती है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका या प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाना या कोई नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है आपका, इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे जो क्लास के बीच में मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस जो बाद में होगी वो अलग रही, लेकिन ये साथ साथ जो क्वेश्चन मिल रहे हैं इनको बहुत बढ़िया तरीके से रखेंगे। बहुत अच्छा आपने आंसर किया, सबने बिल्कुल सही आंसर किया, वेल डन, बहुत बढ़िया। दूसरे का क्या होगा, बी होगा, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स रुधिर कणिकाएं क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। तीसरा क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, बताइए।
ये वयस्क व्यक्ति में आपसे पूछा गया है। अगर भ्रूण दिया हो तभी आप फिर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं लिखा है कि भ्रूण में या वयस्क में, तो फिर आपको एक ही ऑप्शन चुनना है। और वो क्या होगा देखते हैं आप क्या बताएंगे। तीसरे का क्या है, डी है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगर भ्रूण नहीं दिया गया है आपको क्वेश्चन में तो आप फिर अस्थि मज्जा ही चुनेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, रक्त संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, यानी सब यूनिवर्सल रिसिप्टर है। कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से जाना था सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है, ब्लड ग्रुप होता है जो सबसे ब्लड ले सकता है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करिए। नहीं, बिल्कुल फोर्थ का डी कैसे हो सकता है जानवी, नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे, क्यूट अधीरा, बहुत प्यारा सा नाम है। बताइए फोर्थ का क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है, डी कैसे कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था सर्वदाता कहा जाता है ओ को। ठीक है, यहाँ गलती नहीं करनी है, डियर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वदाता क्या है, ओ है, क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन सर्वग्राही यानी सबसे ब्लड ले सकता है कौन, ए बी ले सकता है। ठीक है, बिल्कुल अब तो नहीं होगी गलती। तो सर्वग्राही क्या है, ए बी है, और सर्वदाता कौन है, ओ है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, रक्त वर्गों की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी। कल ही की क्लास में हमने जाना था तो बता दीजिए, ये टेस्ट आपका कल ही होना था लेकिन आपने बीच में, बताइए अब क्या होगा। फिफ्थ के ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा रहे हो, बिल्कुल सही है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त वर्ग की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है। बताइए, क्या होगा सही जवाब। क्या हृदय प्यूरिफाई करने का काम करता है या पंप करने का काम करता है, थोड़ा सा सोच समझ करके आंसर करें। ब्लड को शुद्ध करने का काम कौन करता है, अच्छा ये बताइए कोई मुझे, ये फुफ्फुस किसको बोलते हैं, फुफ्फुस किसको बोलते हैं, क्या आप ये, आपने ये नाम सुना है फुफ्फुस। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, सही जवाब करें। लीवर करेगा, ठीक है, या पाचन तंत्र में होगी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, पाचन तंत्र नहीं होगा, बी और सी में से आपको बताना है। दोस्तों रक्त की शुद्धि किडनी में होती है, ठीक है, और शायद मेरे ख्याल से फुफ्फुस को ही किडनी कहते हैं। आप में से कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, फुफ्फुस, फुफ्फुस शायद धमनी, हाँ ध्वनि, धमनी भी होती है, धमनियां, तो यहां किडनी कर लीजिए एक ऑप्शन में। ठीक है, यहां आप एक ऑप्शन में क्या कर लीजिए, किडनी कर लीजिए। तो किडनी में होगा आपका, रक्त की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होगी, ब्लड को डायलिसिस करने की क्रिया कहाँ होती है, किडनी में होती है, तो आप यहाँ सी ऑप्शन चुनेंगे अगर किडनी होगा तब। ठीक है, बिल्कुल, हृदय तो उसको पंप करने का काम करता है,
शुद्ध तो उसको किडनी करके भेजती है, ठीक है? तो यहाँ आप इसका सही ऑप्शन किडनी लगाएंगे, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? बताइए, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का बनाने का काम करती है, ठीक है? आगे जब हम रक्त का थक्का ना बनने से कौन सी बीमारी होगी, ठीक है, वहां इसके बारे में एक बार फिर से चर्चा होगी, आपके फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है इसके बारे में, ठीक है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य होता है? जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती है उनका क्या काम होगा? रक्त को गाढ़ा बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, या रक्त को बहने योग्य बनाना, या फिर रोगाणुओं से रक्षा करना। अब बताइए क्या होगा? 8th का बताइए क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल सही, रोगाणुओं से रक्षा करना यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना किसका काम होता है? WBC का काम होता है। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किसके कारण लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 9th क्वेश्चन का आंसर करिए। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से, क्या होगा? बी, बिल्कुल सही, सबने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन, ठीक है? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कल बात कर ली थी इसके बारे में, अब यहां से आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, ये है रक्त से संबंधित सामान्य रोगों के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए उन सभी को इसमें इंक्लूड करेंगे और एक एक करके हर एक रोग के बारे में जानेंगे, जो कि या तो खून की कमी से या खून की अधिकता से, जो भी रोग होगा हर एक के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों एक एक करके, सबसे पहले आपके सामने क्या दिख रहा है? एनेमिया। पहला रोग जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कौन सा है? एनेमिया। एनेमिया का दूसरा नाम होता है रुधिर क्षीणता। रुधिर क्षीणता, क्षीणता का मतलब होता है दोस्तों कमी, ठीक है? क्षीणता का मतलब क्या होता है? कमी से होता है। तो रुधिर क्षीणता या एनेमिया रोग क्या होता है? इसमें दोस्तों व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है ऐसे भी बोल सकते हैं, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ये भी हम बोल सकते हैं, जिस वजह से एनीमिया रोग होता है। और जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है, तो जब खून की ही कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की भी तो कमी हो जाएगी शरीर में, ठीक है? जिससे शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। समझ में आई बात? तो पहला रोग हमने जिसके बारे में बात की वह है एनेमिया यानी रुधिर क्षीणता, इसको हम हिंदी में कहते हैं। अगर आपको पेपर में रुधिर क्षीणता लिखा हुआ मिले तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसका मतलब एनेमिया ही है। एनेमिया मतलब खून की कमी होना या हीमोग्लोबिन की। अगर ऑप्शनल में पूछे आपसे और पूछ लिया कि भाई एनेमिया क्या है, खून की कमी होना या खून की अधिकता होना, तो तब आप चुनेंगे खून की कमी होना, ठीक है? अगर पूछा जाए एनीमिया रोग क्यों होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से या कुछ और आपको ऑप्शन दे दिए, तब आप हीमोग्लोबिन चुनेंगे, ठीक है? अगर आपसे दे दिया जाए कि ब्लड की कमी किस वजह से होती है, आयरन की कमी से, ठीक है, पोटेशियम की कमी से, सोडियम की कमी से, ऐसे आपको कुछ ऑप्शन दे दिए, तो फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चुनना है। यानी इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, आयरन की कमी से क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी होगी। हीमोग्लोबिन की कमी से आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये है, यानी ऑप्शन में अगर ये मिला है तो ये भी सही है, हीमोग्लोबिन मिला है तो ये भी सही है, और ब्लड मिला है तो ये भी सही होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया।
धमनी के लिए, अच्छा फुफ्फुस धमनी जो है वो क्या करती है, ब्लड ब्लड को प्योर करने के लिए लेके जाती है। कोई बात नहीं, अगर वहां किडनी हो गए तो आप किडनी सही करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका दोस्तों लक्षण क्या क्या हो सकते हैं एनीमिया के, एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं, त्वचा का सफेद दिखना, जब खून की कमी हो जाती है तो त्वचा सफेद दिखने लगती है, और क्या होगा, जीभ और नाखूनों एवं पलकों के अंदर क्या आ जाती है, सफेदी आ जाती है, नाखूनों के अंदर सफेद सफेद निशान बन जाते हैं, उसकी उससे भी पता लगाया जा सकता है, वो भी लक्षण है खून की कमी होने का, एनेमिया रोग का, या कम बहुत ज्यादा कमजोरी या थकावट होना, बेहोशी होना, सांस फूलना, ये सभी क्या है, लक्षण है। तो आपसे कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि एनेमिया रोग किस कारण से होता है या उसके क्या कारण है, एनीमिया रोग के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे पहचान करेंगे कि एनीमिया रोग हो गया है, ठीक है। एनीमिया किसे कहते हैं तो तब बताएंगे आप यही कि भाई खून की कमी हो जाने को एनीमिया कहते हैं, ठीक है। लक्षण हमने देख लिए कौन कौन से हैं, अब हम बात करेंगे कारण क्या है, ठीक है, खून की कमी होने के या एनीमिया रोग होने के कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यही है प्रमुख कारण कि लौह तत्व की कमी हो जाना, लोहे की कमी हो जाना हमारे शरीर में, ठीक है। अगर हम खाने में उचित मात्रा में लोहे का सेवन नहीं कर रहे हैं, आयरन का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। दूसरा है शरीर से खून निकालने में भी तो खून की कमी हो जाती है, चाहे दो चोट लगने पर, दुर्घटना होने पर या घाव लगने पर जो खून निकल जाता है उससे भी शरीर में खून की कमी हो जाती है। मलेरिया के बाद रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती है, जो हमारी आरबीसीज होती है वो बहुत ज्यादा नष्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एनीमिया रोग हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, एनीमिया रोग हो सकता है। इसी के बाद आगे बढ़ेंगे तो उपचार क्या क्या है, कारण जान लिए हमने, लक्षण जान लिए, उपचार क्या करें, एनीमिया रोग हो गया है तो क्या उपचार करें। सबसे पहले दोस्तों लोह तत्व किससे युक्त चीजों का सेवन करना, जिसमें लोहा भरपूर मात्रा में हो, जैसे हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, हरी सब्जियों में आपका जो पत्ता गोभी आती है और बहुत सारी ऐसी, यानी ज्यादातर हरी सब्जियों का सेवन करना, पालक में सबसे ज्यादा पाया जाता है लौह तत्व, ठीक है। तो ये खाने में अपने शामिल करने से क्या होगा, लौह तत्व की कमी नहीं होगी, भरपूर मात्रा में लोहा मिलेगा, जिससे एनीमिया रोग नहीं होगा। दूसरा, विटामिन ए एवं सी युक्त खाद्य पदार्थ भी खाने चाहिए, ठीक है, जिसमें विटामिन ए मिले और विटामिन सी मिले, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना। स्वच्छ पेयजल का इस्तेमाल कर किया जाए, ठीक है, स्वच्छ पेयजल का इस्तेमाल करने से। और कैसे उपचार हो सकता है, खाना लोहे की कढ़ाई में पकाने से भी क्या होता है, उसमें लोहे के गुण चले जाते हैं, तो ये सब क्या हो सकते हैं, उपचार हो सकते हैं, अगर खाने को लोहे की कढ़ाई में पकाए तक, क्लियर। तो ये सभी क्या है, इसके उपचार है। तो हमने बात कर ली एनीमिया रोग के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से। अब एनीमिया से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। एनीमिया का दूसरा नाम क्या है, रुधिर क्षीणता है, ये पूछ लिया जाए तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई सभी आपके एग्जाम में दे सकता है रुधिर क्षीणता। और दो बार ये यहां से आपका क्वेश्चन बना भी है 2017 और 2019 में, क्लियर। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर ये सब चीजें आपने देख ली। अब इसके बाद जो दूसरे रोग के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है बहुलोहितानु, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया या बहुलोहितानु इसका नाम है। इसमें क्या होता है, बहु से मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो एनीमिया के विपरीत इसमें क्या होगा, एनीमिया में तो खून की कमी हो रही थी, लेकिन बहुलोहितानु में क्या होगा, यहाँ खून की वृद्धि हो जाएगी, यानी ज्यादा हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। देखिए जो भी हमारे शरीर में जितने भी तत्व है, अगर आप कह सकते हैं ब्लड हो गया जैसे, ठीक है, तो अगर उसकी कमी हो जाए तब भी दिक्कत है, ज्यादा हो जाए तो भी परेशानी है। एक सामान्य स्थिति बनी रहनी चाहिए हर एक चीज के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुलोहितानु में या पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, जो हमारी आरबीसीज है इनको बनने की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे रुधिर की मात्रा बढ़ने के कारण हृदय पर क्या होगा, जोर पड़ेगा, उसे पंप करने में क्या होगा, जोर पड़ेगा। जब ज्यादा ज्यादा ब्लड होगा तो पंप करने में उस पर जोर पड़ेगा,
तथा रुधिर गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और गाढ़ा होने के कारण जितनी भी रुधिर वाहिनियां हैं जिनमें आपका ब्लड फ्लो करता है उसमें बहाव धीमा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड कैसा हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो इसी को क्या कहते हैं, बहुलोहिताणु कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो आरबीसीज है इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रुधिर गाढ़ा भी हो जाता है और इससे ब्लड को पंप करने में हृदय को बहुत ज्यादा परेशानी होगी या जोर पड़ेगा उस पर, ठीक है, जिससे हार्ट फेल भी हो सकता है। और रुधिर गाढ़ा हो जाएगा, रुधिर वाहनों में बहाव धीमा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जम भी सकता है वहां। तो इसको हम कहते हैं बहुलोहिताणु, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया, तो जिस तरीके से जो नाम दे के आपसे एग्जामिनर पूछे वैसे आप उसका आंसर कर दीजिएगा। आगे बात करेंगे, दूसरा है ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया 2017 में पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कि एनीमिया उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है। ल्यूकेमिया अधिक श्वेत रक्तता, देखिए इसके नाम में ही है, अधिक श्वेत रक्तता यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उनकी अधिकता हो जाती है। नाम में ही छिपा हुआ है ना इसका मतलब, अधिक श्वेत रक्तता, ठीक है। और दोस्तों इसका एक और अन्य नाम है ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर, इसी को कहते हैं, अधिक श्वेत रक्तता को ही क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं और ल्यूकेमिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों जो WBCs होती है इनके बनने की दर बहुत अधिक बढ़ जाती है। दूसरे उसमें ऊपर वाले में क्या था, उसमें RBCs की मात्रा बढ़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा बढ़ रही थी, तो लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा बढ़ेगी तो बहुलोहिताणु या पॉलीसाइथीमिया, और श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ेगी तो क्या होगा, ल्यूकेमिया होगा, ठीक है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अगर WBC की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इससे संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है, क्योंकि प्री मैच्योर होती है वो सभी RBC WBCs, जिससे ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि सामान्य तो होनी चाहिए कितनी, 10,000 तक, ठीक है, हमने कल जाना था सामान्य तौर पर कितनी होनी चाहिए, 10,000 तक, लेकिन ये लगभग 3-4 लाख इनकी संख्या हो जाती है, जो कि रामविलास कह रहे हैं वीडियो रुक कर चल रहा है, एक बार आप बताएंगे क्या वीडियो रुक रही है, कमेंट करिए एक बार, वीडियो रुक रही है क्या, नो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब वीडियो सही चल रही है डियर, आप प्लीज अपना नेटवर्क चेक करें। तो यहाँ हमने क्या जाना दोस्तों कि इससे किसका खतरा होता है, ब्लड कैंसर का, जो WBCs है इनकी मात्रा जो है एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है या ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या नाम है इसका, ल्यूकेमिया और अधिक श्वेत रक्तता, ये नाम आप याद रखेंगे, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर अपने नोट्स में इसको शामिल करना है। इसके बाद बात करेंगे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग क्या होता है, इसमें क्या होगा दोस्तों, ये एक कैसा रोग है, जेनेटिक रोग है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि किसी भी जेनेटिक रोग का नाम बताइए, तो उसमें आप हीमोफीलिया भी बताएंगे, जेनेटिक रोग है, ठीक है, अनुवांशिक रोग है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और ये अधिकतर किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है, मेल्स में ज्यादा पाया जाता है। इस रोग में क्या होगा, इस रोग में दोस्तों जो रक्त का थक्का जमता है ना, रक्त का थक्का जमना इसमें क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर मान लीजिए किसी को चोट लग गई, ठीक है, उसको रोग है हीमोफीलिया, तो उसका ब्लड रुकेगा नहीं, वो फ्लो करता जाएगा, ठीक है, उसका रक्त का थक्का उसमें नहीं जमेगा, उसकी चोट जो है मुश्किल ठीक होती है, अगर कहीं से उसको चोट लगी और ब्लड फ्लो कर रहा है बाहर तो वो जो है रुकेगा नहीं, रक्त का थक्का उसमें नहीं जमेगा, ठीक है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा खून बहता है अगर ऐसे व्यक्ति को चोट लग जाती है जिसको हीमोफीलिया हुआ हो, तो समझ में आया हीमोफीलिया, ये भी पूछ लिया जाता है, इसको भी ध्यान रखें बहुत अच्छे से। कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, ठीक है, अधिकतर पुरुषों में पाया जाएगा और रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता, नहीं जमता, ये हो गया हीमोफीलिया। आगे देखा गया है तो यहां पर थैलेसीमिया की बात करेंगे। थैलेसीमिया में बात करेंगे दोस्तों, यहां पर
थैलेसीमिया ये भी एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, ठीक है। थैलेसीमिया इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों जो आरबीसीज का जीवन काल मैंने आपको बताया था कि 120 दिन होता है, तो ये इसका जीवन काल कम हो जाता है इसमें। अगर किसी को थैलेसीमिया रोग है तो उसकी आरबीसीज 120 दिन तक जीवित नहीं रहेगी, बल्कि केवल 20 दिनों के बाद ही वो मृत हो जाती है, नष्ट हो जाती है उसकी आरबीसी, अगर किसी को थैलेसीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। फिर उसको क्या होगा, उसकी जो आरबीसीज है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है 20 दिन के अंदर अंदर। उसको या तो उसे बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इतनी जल्दी और आरबीसीज का निर्माण तो नहीं होता इतनी जल्दी, ठीक है। तो उसको बार बार क्या करना पड़ता है, उसको हर 21वें दिन ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ठीक है, जिसको थैलेसीमिया रोग होता है। तो उनके अंदर क्या होता है, आरबीसीज की कमी हो जाती है, क्योंकि वे 20 दिनों में ही नष्ट होने लगती है, और ये एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड कम हो जाता है इनके जीवित रहने का आरबीसीज के। इस रोग की पहचान सबसे पहले किसने की थी, तो इस रोग की पहचान सर थॉमस कुली ने की थी 1925 में। 1925 में इस रोग की पहचान हुई थैलेसीमिया रोग की, किसने की, सर थॉमस कुली ने, ठीक है। दोस्तों इस रोग का एक और नाम है जिसको नाम दिया गया है मेडिटेरियन एनीमिया। इसको नाम क्या दिया गया है, मेडिटेरियन एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या था, खून की कमी होना, और ये एक और इसके सामने एक और शब्द जोड़ दिया, मेडिटेरियन। मेडिटेरियन क्यों जोड़ा, क्योंकि दोस्तों जो मेडिटेरियन सागर है, मेडिटेरियन सी है, उसके आसपास रहने वाले जो परिवार है उनमें इस रोग की अधिकता पाई जाती है, या वहाँ उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है ये रोग। क्या नाम है इसका, थैलेसीमिया नाम है, ठीक है। अन्य नाम क्या है, मेडिटेरियन एनीमिया है, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक तो पहली बात तो अनुवांशिक रोग है, दूसरा इसमें होता क्या है कि जो आरबीसीज का लाइफ पीरियड होता है 120 दिन का, वो इसमें घटकर 20 दिन का रह जाता है, यानी 20 दिन में ही वो नष्ट हो जाती है, और उसको फिर बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, हर 21वें दिन उसको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया आपका एक और रोग के बारे में हमने पढ़ लिया, थैलेसीमिया के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, ज्यादातर मेडिटेरियन सागर के पास रहने वाले परिवारों में पाया जाता है। 1925 में इसकी सर्वप्रथम पहचान की सर थॉमस कुली ने। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, क्या ये भी, बीपी हाई होना कम होना क्या ये भी कोई रोग है, हाँ बिल्कुल, इस ये भी एक रोग के अंदर ही आएगा, उच्च रक्तचाप, ठीक है। हाइपरटेंशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो हाइपरटेंशन लिख के आपसे पूछ ले अब उच्च रक्तचाप, तो आपको ऐसे ही आंसर करना है। इसमें क्या होगा दोस्तों, उच्च रक्तचाप की स्थिति में क्या होगा, खून धमनियों की द्वारों पर बहुत ज्यादा दबाव डालेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो धमनियां होती है, जो ब्लड को पूरे शरीर में लेकर के जाती है, ठीक है, उन पर बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होने से उन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कोई बताएगा, एक सामान्य व्यक्ति में दोस्तों 80 से 120 का ब्लड प्रेशर होता है, यानी जो जाने की गति होगी वो 120 होगी, और जो आने की गति होगी वापस वो 80 की होगी, ठीक है। तो 120 बटे 80 या 80 से 120 मिलीमीटर, ये क्या होती है, वयस्कों में या सामान्य व्यक्ति में रक्तचाप कितना होता है, 80 से 120 होता है, क्लियर 80 से 120 होता है। इतनी बात सबको क्लियर हुई, कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत बढ़िया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120 बटे 80, ठीक है, इसका मतलब ये जाने की गति या आने की गति। इसी के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 80 से 120 मिलीमीटर, ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन में आपको मिले, ऑप्शन में मिले, उसी तरीके से आप चूज कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो कल ही की क्लास में हमने बात की थी। बफरिंग नहीं हो रही है संदीप, बाकी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप अपना नेटवर्क चेक करिए, बिल्कुल बफरिंग नहीं है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, कल की क्लास में हमने बात की थी इसके बारे में। क्या होता है रक्त दाब मापने वाला यंत्र, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। और दोस्तों कब हम कह सकते हैं कि उच्च रक्तचाप हो गया या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कैसी स्थिति में बोलेंगे, जब सामान्य से ज्यादा हो जाए, है ना,
80 से 120 जो हमारा ब्लड प्रेशर है सामान्य का, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर, इससे कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। सामान्य तो यही है, ठीक है, यानी 140/90 हो जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, उच्च रक्तचाप कहेंगे, जो कि इससे ज्यादा है ना, तो इसी वजह से, ठीक है, 80 से ज्यादा या 90 और 120 से ज्यादा 20 बढ़ने पर ही ये क्या हो जाएगा, उच्च रक्तचाप माना जाता है, हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। अगर इससे कम हो जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ज्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। अब इसके कारण क्या है, बीपी हाई होने के या ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तनाव की वजह से, धूम्रपान की वजह से, बढ़ती हुई उम्र की वजह से, मोटापे की वजह से, ये सभी क्या है इसके कारण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, क्लियर। अब आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हम जानने वाले हैं डायबिटीज के बारे में, मधुमेह के बारे में, आगे आपको लो ब्लड प्रेशर भी मिलेगा इसमें, तो पहले एक बार जो टॉपिक सामने है इसी को हम देखेंगे। तो ये क्या है मधुमेह या डायबिटीज, कौन सा रोग होता है इसमें दोस्तों, शरीर में जो है वो शुगर की कमी हो जाती है, ठीक है, शक्कर की कमी हो जाती है, शुगर की कमी होने से जो रोग होता है उसे हम क्या कहेंगे, डायबिटीज कहेंगे, मधुमेह कहेंगे। कारण क्या है इसका, क्यों ये शक्कर की कमी या शुगर की कमी क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में एक इंसुलिन नामक हार्मोन होता है जो क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का श्रवण होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में एक हार्मोन है इंसुलिन नामक हार्मोन, अगर इसकी कमी हो जाए तो डायबिटीज रोग हो जाता है। लक्षण क्या क्या है डायबिटीज की अगर बात करें मधुमेह के, तो कमजोरी आने लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, पसीना आने लगता है, ठीक है, और हृदय की गति कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। तो ये क्लियर है आप सभी को, तो जैसे ही इंसुलिन इंबैलेंस होगा तो उससे क्या होगी, मधुमेह रोग हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका अन्य नाम शुगर की बीमारी भी हम इसको कह सकते हैं, शक्कर की बीमारी भी इसको कह सकते हैं। तो ये कब होता है, जब इंसुलिन हार्मोन गड़बड़ा जाए तब ये रोग होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर तीव्र हृदय गति या तीव्र हृदय पेशी रोध गलन, ये क्या है, तीव्र हृदय गति या हृदय पेशी रोध गलन, ये बहुत अजीब नाम है, लेकिन ये अजीब नाम किसका है, दिल के दौरे का, हार्ट अटैक का, ठीक है। अगर हार्ट अटैक पूछ लिया जाए तो बहुत आसानी से आप बता देंगे, दिल का दौरा पूछ ले तो भी समझ जाएंगे, लेकिन इसकी जगह अगर शब्द का प्रयोग कर दे तीव्र हृदय पेशी रोध गलन तो यहाँ फंस सकते हैं, इसीलिए नाम मोनिका। ओके, अभी मैं फैन बंद कर देती हूँ, शायद फैन की वजह से ही नॉइस आ रही है आपको। बिल्कुल अब कोई नॉइस आपको नहीं सुनाई देगी, मैंने फैन का स्विच ऑफ कर दिया है, बिल्कुल अभी शांति का माहौल मिलेगा आपको। तो हम बात कर रहे हैं तीव्र हृदय पेशी रोध गलन, इसमें क्या हो सकता है, इसका अन्य नाम दिल का दौरा, हार्ट अटैक, कार्डियक इन्फेक्शन और एक्यूट कोरोनरी, ठीक है, ये सभी नाम किसके हैं, दिल के दौरे के, हार्ट अटैक के। तो ये नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये अलग अलग नाम से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इस रोग में क्या होता है, जो कोरोनरी धमनी होती है इसके अंदर रक्त के थक्के के निर्माण हो जाने के कारण क्या हो जाता है, हृदय तक रक्त नहीं पहुंच पाता, उसमें बीच में बाधा आती है और हृदय की पेशी का एक भाग नष्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं दिल का दौरा पड़ना या हार्ट अटैक आना। वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी धमनियां होती है जिनमें को रक्त फ्लो करता है हृदय के पास जाता है, ठीक है, और उनमें क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है धमनी के अंदर ही, और रक्त का थक्का बनने की वजह से ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हृदय की पेशी के भाग जो होता है वो नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है या हार्ट अटैक आता है, ठीक है। इसको कार्डियक इन्फेक्शन, एक्यूट कोरोनरी भी कहते हैं, क्योंकि कोरोनरी धमनी के अंदर ही वो थक्का जमता है, इसीलिए इसको एक्यूट कोरोनरी भी कहते हैं।
इसको तीव्र हृदय पेशी रोध गलन के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया, अब इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस है जो हमने अभी सीखा, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। क्या क्या क्वेश्चन है जल्दी से देखेंगे। रक्त में जो लाल कणिकाएं स्थित होती है, लाल रक्त कणिकाएं स्थित होती है, कितने दिनों तक जीवित रहती है बताइए, कितने दिनों तक जीवित रहती है। जब हमने थैलेसीमिया रोग की बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें भी हमने इस बात का जिक्र किया था। कल की क्लास में तो जाना ही था बहुत अच्छे से, लेकिन उसके बारे में हमने अभी जिक्र किया था। कोई बात नहीं है यार, थोड़ी देर में झेल लूंगी गर्मी, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी तो लगी रही है इसमें कोई शक नहीं। तो क्या होगा इसमें, सही जवाब बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी आप चुन रहे हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 120 दिन का होता है। और जब थैलेसीमिया रोग हो जाएगा तब कितने दिन तक जीवित रहेंगी ये, तब कितने दिन तक जीवित रहेगी, जब अगर थैलेसीमिया रोग हो जाता है तब ये 120 दिन की जगह पर 20 दिन तक ही जीवित रह पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया रोग की पहचान सबसे पहले कब की गई, थैलेसीमिया रोग की पहचान सर्वप्रथम कब की गई थी। तो थैलेसीमिया रोग को हम एक और नाम से जानते थे, मेडिटेरियन मेडिटेरियन एनीमिया के नाम से, है ना। तो इसकी खोज कब हुई थी, बहुत सही, बिल्कुल 1925 में, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए 1925 में थैलेसीमिया रोग की पहचान सबसे पहले की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो थॉमस कुली के द्वारा ये पहचान की गई थी। आगे बढ़ते हैं, भोजन के उपरांत स्वस्थ व्यक्ति में के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है और भोजन के उपरांत उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, ये थोड़ा सा यहाँ आपको नया आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों 80 से 100 मिलीग्राम तक हो सकता है ये आपका ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक हो सकता है, या 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम पर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, 100 मिलीग्राम ब्लड में 80 मिलीग्राम मात्रा किसकी होती है, ग्लूकोज की होती है, ये यहाँ कहने का इसका मतलब है। ठीक है, 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम समझ आई, बहुत बढ़िया, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए होगा। चौथा प्रश्न क्या है, तीव्र हृदय पेशी रोध गलन रोग का दूसरा नाम क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तीव्र हृदय पेशी रोध गलन रोग का दूसरा नाम या अन्य नाम क्या हो सकता है। ऑप्शन ए हार्ट अटैक, कोरोनरी ओक्लूजन या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, ये सभी बहुत सारे नाम होते हैं इसके, बिल्कुल, दिल का दौरा, हार्ट अटैक, कार्डियक इन्फेक्शन, एक्यूट कोरोनरी। ठीक है, ये सभी किसके नाम है दोस्तों, ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी के, सभी के। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, बहुत बढ़िया सीमा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है, निम्न रक्तचाप में रोगी की का रक्तचाप कैसा रहता है, अगर निम्न रक्तचाप हो जाए। ठीक है, रिप निम्न रक्तचाप हो जाए यानी हाइपोटेंशन हो जाए, अधिक था तो हाइपरटेंशन था, और अगर निम्न हो जाए, कम हो जाए, बीपी लो हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे, हाइपोटेंशन, और बीपी हाई होता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, दोनों में अंतर है। ठीक है, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। तो निम्न रक्तचाप होने से क्या होगा, सामान्य से कम हो जाएगा रक्तचाप, या सामान्य से अधिक हो जाएगा, या दोनों होगा, क्या होगा सही जवाब, तो पांचवें का होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से कम हो जाता है। ठीक है, जो रोगी का रक्तचाप होता है वो सामान्य से कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ शुरुआत होती है आपकी चैप्टर नंबर 8 की। ठीक है,
एट्थ यूनिट की शुरुआत हो रही है यहाँ आपकी, जिसमें हम एड्स और हेपेटाइटिस बी इन दो के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमने इन दोनों के बारे में मोटा मोटी बात कर ली है, लेकिन यहाँ और अच्छे से हम इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए, बहुत अच्छे। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहली बात, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है नोट करेगा, जो साथ साथ नोट्स बना रहे हैं और बाद में भी बनाएंगे तो इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स की फुल फॉर्म, पूछी गई है आपसे प्रीवियस ईयर पेपर में भी। यह कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है, और संक्रामक रोग भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। संक्रामक रोग भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये संक्रमण से फैलता है, ठीक है, और वायरस जनित रोग है। इसके साथ ही इसमें क्या होता है, रोगी की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। रोगी की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है इसमें? नष्ट हो जाती है, ठीक। और कौन से वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है, ठीक है। HIV वायरस से ये रोग होता है। प्रभावित अंग कौन कौन से है इसमें? एड्स से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? अगर किसी को एड्स हो जाए तो कौन कौन से अंग होंगे जिन पर प्रभाव पड़ेगा? तो फेफड़े, तंत्रिका तंत्र, इन पर प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। अगर एड्स हो जाता है तो फेफड़े और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, क्लियर। ये कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग है, फैलने वाला। कैसे कैसे फैलता है तो हमने जाना था, एक बार और यहाँ जानेंगे, ठीक है, क्या कारण है इसके। दोस्तों, इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। और जो ये HIV वायरस होता है ना, ये जब हमारे शरीर में एंटर करता है तो सबसे पहले किसको, किस पर हमला करेगा? हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, उसके अंदर जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाए जाते हैं ना, सबसे पहले उन्हें ही मारता है, क्योंकि वे क्या करती है? प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है, या वायरस से लड़ने का काम करती है, तो सबसे पहले लड़ाई में उन्हें ही मारता है ये HIV वायरस, इतना खतरनाक होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो शरीर की क्या होगी फिर, जब लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मर जाएंगे तो उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, हमारे रक्त में क्या हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सी जानकारी इसके बारे में ली। कारण क्या क्या है, तो हमने जाना था कि भाई अगर संक्रमित व्यक्ति के द्वारा रक्तदान किया जाए, ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति को जिसको रक्त चढ़ाया जा रहा है उसका, तो वो भी संक्रमित हो जाता है एड्स से। एड्स के रोगी द्वारा उपयोग की गई सुई या अन्य व्यक्ति द्वारा, सुई को अन्य व्यक्ति अगर उपयोग कर ले तब भी हो सकता है, उसके द्वारा यूज किया गया रेजर, ठीक है। और संक्रमित माता द्वारा जो शिशु होता है उसके गर्भ में, उसको हो जाता है। एड्स रोगी का स्वस्थ स्त्री या पुरुष के शारीरिक संपर्क में आने से भी एड्स हो सकता है। तो ये सब क्या है, इसके कारण होते हैं, ठीक है। ये कारण आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है आपसे, ये अलग ही टॉपिक आपको इसके नाम से दिया गया है, तो ये आप सभी इसके कारण याद रखेंगे। इसके बाद लक्षण की हमने पहले भी बात की थी, तो लक्षण क्या क्या है, भूख न लगना, और क्या है, शरीर का वजन कम होना, और क्या हो सकता है बताइए, इससे पहले बताया था मैंने आपको, ज्वर आना, त्वचा पर ददोरी पड़ना यानी सफेद सफेद निशान हो जाते हैं, ठीक है, थीके? और क्या हो सकता है, थकावट होने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। और दोस्तों, इस रोग का पता किस परीक्षण से चलता है या किस टेस्ट से चलता है, तो एलिसा टेस्ट से चलता है, ठीक है। किस टेस्ट से चलता है, तो ये एलिसा टेस्ट से पता चलता है। एलिसा की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो इसकी भी फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, एलिसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट, ठीक है। ये फुल फॉर्म होती है एलिसा टेस्ट की, इम्यून लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट
और ऐसी टेस्ट, ये पूरा इसका नाम हो जाता है। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या पता चलता है, इसकी हेल्प से पता चलता है कि व्यक्ति को एड्स है या नहीं है, इसी परीक्षण से पता लगाया जा सकता है। तो ये एड्स के बारे में पूरी जानकारी हमने ली। अब हम जानेंगे दोस्तों हेपेटाइटिस बी के बारे में। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के बारे में अब हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। ये कैसी बीमारी है, ये भी एक संक्रामक बीमारी है जो कि फैलती है। ठीक है, और ये किस वायरस से फैलेगी, तो इसके वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। जो इसका नाम है यही इसके वायरस का भी नाम है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाली ये कैसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। इसके कारण क्या क्या होगा, तो लीवर में सूजन आ जाएगी और जलन पैदा होगी। इसके कारण क्या होंगे, या लक्षण भी आप इसमें बोल सकते हैं कि लक्षण कौन कौन से होंगे, तो इसके लक्षण क्या है, इसके कारण लीवर में सूजन आ जाएगी और जलन होने लगेगी, उल्टी होगी, पीलिया हो सकता है, कभी कभी इसमें मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। और अगर लंबे समय तक हेपेटाइटिस बी रहे तो लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है एड्स, और हेपेटाइटिस बी व्यक्ति की जान भी ले सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक बीमारियां होती है। अब इसके लक्षण हमने देख लिए दोस्तों, कारक देखते हैं, कारण क्या है इसके। तो हेपेटाइटिस बी वायरस का जो संचरण होता है वो संक्रमित रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से होता है। ठीक है, यानी लार, आप लार का दूसरे, अगर आप कह सकते हैं कि जैसे थर्मामीटर होता है, ठीक है, तो उससे किसी का तापमान मापा, ठीक है, और बिना उसको साफ किए अगर दूसरे का भी उससे यूज कर ले, तो यानी उसकी उस पर सलाइवा लग गया है थर्मामीटर पे, और फिर दूसरे व्यक्ति ने उसका प्रयोग कर लिया, तो ऐसे भी ये फैलता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग इसी वजह से बोलता है क्योंकि ये दूसरे में भी फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, और रक्तदान यानी ब्लड डोनेट करने से, और संदूषित सुइयों का प्रयोग करने से, यानी किसी हेपेटाइटिस बी जिसको है उसकी सीरीज को किसी दूसरे व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया तो उसको भी हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल गए ब्लेड का इस्तेमाल अगर कर ले तो भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी जो है ध्यान रखने वाली बातें हैं कि किस किस वजह से ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और ऐसे जो पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा बच के यूज करना चाहिए, ये थोड़ी सी पर्सनल राय है। आगे हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की जांच किससे होती है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की जांच किस टेस्ट से होती है, जैसे एड्स की एलिसा टेस्ट से जांच होती थी, तो इसकी किससे होगी, है ना। तो हमें यहाँ देखना है कि जो हेपेटाइटिस बी है इसकी जांच कौन से टेस्ट से होगी, तो HBS AG टेस्ट की वजह से इसकी जांच की जा सकती है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इसको क्या होती है, HBS AG टेस्ट की फुल फॉर्म, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको नोट कर लीजिएगा आप कहीं पर। तो ये हेपेटाइटिस बी की जांच करने के लिए एक टेस्ट होता है। ठीक है, अब आगे बताया गया है हेपेटाइटिस के संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया जाता है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, बचपन में लगा होगा आपको भी। ठीक है, बचपन में लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी का टीका। ठीक है, तो संक्रमण रोकने के लिए हम टीका लगवा सकते हैं। इसके साथ ही और क्या क्या कर सकते हैं, अपने आसपास सफाई रख सकते हैं, हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो सकते हैं, पानी में क्लोरीन की गोलियां मिलाकर के प्रयोग कर सकते हैं ताकि पानी भी स्वच्छ हो। ठीक है, जो उसके अंदर वायरस है, बैक्टीरिया है, वो मर जाए, तो क्लोरीन की गोली मिलाकर के पानी को यूज कर सकते हैं अगर पानी साफ नहीं है।
उसके साथ साथ जो रक्तदान करते समय यानी ब्लड डोनेट करते समय या ब्लड लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि भाई सामने वाले को तो ये बीमारी नहीं है, ठीक है। उसके द्वारा यूज की गई किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा यूज की गई इंजेक्शन या सुई का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये सभी इससे बचने के उपाय हो सकते हैं, संक्रमण से बचने के ये उपाय आप लिख सकते हैं अगर पूछा जाए तो पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपसे पूछे गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या क्या है चलिए आंसर करिए। अभी ये दो ही टॉपिक आते थे आपके आठवीं यूनिट में, हेपेटाइटिस बी और एड्स, इनके हमने कारण जान लिए क्या क्या कारण होते हैं, किन अंगों को प्रभावित करते हैं, लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, कैसे पहचाने कि ये रोग हो गया है, और साथ ही साथ बचाव करने के उपाय हमने बहुत अच्छे से यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों ये आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं, जल्दी से आंसर करिए। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, ये पिछली क्लास से रिलेट करते हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं, हीमोग्लोबिन या लिम्फोसाइट। बहुत प्यारा सा छोटा सा चैप्टर था ये आपका। प्लाज्मा कहते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 60% या 40% बताइए। 60% होता है, ठीक है। 60% ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 40% रुधिर कणिकाएं होती है, पिछली क्लास में हमने बात की थी। इसके साथ विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो हमने बात की थी अभी क्लास के समय में ही, इसी क्लास में बात की थी। बहुत अच्छे, सबने सही जवाब दिया 60%। हाँ अभी एक चैप्टर और है अंजना, बिल्कुल नहीं घबराना, पट्टी वाला भी आएगा, रहा नहीं है कुछ भी, मैं नहीं छोड़ूंगी, बेफिक्र रहिए आप। इसके बाद एक चैप्टर अभी तो और है डियर, वो पट्टी वाला भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आपने चुना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश में एचआईवी संक्रामित लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा एचआईवी पॉजिटिव लोग कहाँ हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा एचआईवी पॉजिटिव लोग मिलते हैं, कहाँ, अफ्रीका में। अब इसका कारण तो मुझे नहीं पता कि वहां क्यों है सबसे ज्यादा, क्योंकि एक संक्रमित बीमारी है इसी वजह से वहां फैलती चली जा रही है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फोर्थ क्या है क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी का लक्षण क्या होता है, लीवर में सूजन आना या लीवर में जलन होना या पीलिया होना या फिर ये सभी लक्षण होते हैं, तो बताइए फोर्थ का आंसर करिए जल्दी से। चौथे प्रश्न का सही उत्तर कौन देगा सबसे पहले, श्रवण मनीष, बहुत बढ़िया। तो फोर्थ का क्या होगा, आपने बहुत अच्छे से पहचाना कि ये सभी लक्षण है हेपेटाइटिस बी के, है ना, लीवर में सूजन आना भी, जलन होना भी और पीलिया होना, ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके साथ ही हेपेटाइटिस बी के टीके की खोज किसने की थी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी के टीके की खोज किसने की थी, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, हिलमैन, लेमार, माल्थस या डार्विन। क्या होगा इसमें सही जवाब, देखते हैं आप लोग क्या चुनेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का बहुत अच्छे खुशबू, बिल्कुल सही जवाब डी नहीं होगा, यहाँ डार्विन कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो हेपेटाइटिस बी का टीका था ना, ये मॉरिस हेलमैन ने खोजा था, इसका पूरा नाम क्या है, मॉरिस हिलमैन, ठीक है, मॉरिस हिलमैन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मॉरिस हिलमैन ने ये टीका खोजा था, कौन सा, हेपेटाइटिस बी का, क्लियर है, बहुत बढ़िया। पांचवे का ए होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एड्स का उद्भवन काल होता है कि लगभग कितने समय तक जा करके कई बार पता चलता है कि एड्स हो गया है, ठीक है,
एड्स का उद्भवन काल कितना होता है? पूरी तरीके से एड्स को होने में कितना समय लगता है, ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं, तो लगभग ये 7 वर्ष होता है। ठीक है, इसका समय कितना होता है? 7 वर्ष होता है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष होता है। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा आपका छठे प्रश्न का। ठीक है, 7 वर्ष का समय। आगे चलते हैं, तो एड्स की जानकारी सबसे पहले कब हुई थी? तो ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। एड्स की जानकारी सर्वप्रथम कब हुई थी? एचआईवी संक्रमित मनुष्य सबसे पहले कब मिला था, ये ऐसे पूछ सकता है ये प्रश्न। तो दोस्तों एड्स की पहचान ना सबसे पहले की गई थी, ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ठीक है, 1981 में सबसे पहले यहाँ पर एड्स की पहचान या एचआईवी वायरस जो मनुष्य के अंदर देखा गया था, तो ये कब, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 1981 में एड्स की पहचान हुई थी। ठीक है, माइकल गोटलिब कुछ ऐसा करके इसके डॉक्टर का नाम था जिसने ये पता लगाया था इसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल, तो ये मनुष्य में सबसे पहले 1981 में इसकी पहचान की गई थी एड्स रोग की। आगे बात करते हैं, तो यहां से आपकी नेक्स्ट यूनिट शुरू हो जाती है, लास्ट यूनिट आपकी है। ठीक है, लास्ट यूनिट, इसके साथ ही हम इस सब्जेक्ट को खत्म कर रहे होंगे। नाम है सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। ये प्राथमिक उपचार जो कि अभी आपने किसी ने कहा था कि पट्टी से संबंधित, ये वही वाली है। ठीक है, छोटी मोटी पट्टी करनी, दवाई करनी, ये सब चीजें इसमें आपको सीखने को पड़ेगी। सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार, ये बीटीसी 2018-19 दोनों में यहाँ से क्वेश्चन बना है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ हम सीखेंगे थोड़ी मोटी मोटी सी जानकारी। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ इसी से संबंधित क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड कहते किसे है या प्राथमिक उपचार हम कहते किसे है। तो प्राथमिक चिकित्सा या तात्कालिक उपचार का अभिप्राय है उस व्यक्ति की सहायता से है जो जिसके द्वारा रोगी के जीवन की रक्षा हेतु किसी डॉक्टर के उपलब्ध होने से पूर्व या पहले ही किए गए उपचार को भावी खतरों को टाला जा सकता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि भाई अगर कोई व्यक्ति है जिसको एकदम से कोई रोग हो गया है, कोई चोट लग गई है, कोई बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर के मिलने से पहले ही जो उपचार किया जाए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो किया जा सकता है, जिसको भी फर्स्ट एड की नॉलेज हो वो उसी के द्वारा किया जा सकता है। और इसी को इस उपचार के करने से जो आगे आने वाले खतरे हैं उनको टाला जा सकता है। ठीक है, तो इसे ही हम प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार या तात्कालिक उपचार या फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो समझ में आया प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड होता क्या है, यानी डॉक्टर के उपलब्ध होने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, यानी रोकथाम के लिए, वो कुछ समय के लिए रोकथाम कर देते हैं उसकी फर्स्ट एड दे करके, ताकि डॉक्टर तक उसको सही सलामत ले जाया जा सके। तो ये है प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। आगे बात करेंगे सामान्य दुर्घटनाएं तथा सामान्य प्राथमिक चिकित्सा, उसके लिए हम क्या देंगे, ये यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी इसकी दी गई है कि कौन कौन सी दुर्घटना होने पर क्या प्राथमिक उपचार उसके लिए करना है। तो जैसे चोट लगी और चोट लगने पर रक्त रक्त बह रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या करेंगे। ठीक है, ये कुछ सिचुएशंस दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए और रक्त बह रहा हो तो तब क्या करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ये देखना है कि उसकी हड्डी टूटी हुई है या नहीं। ठीक है, सिर्फ चोट लगी है या हड्डी भी टूटी है। अगर हड्डी नहीं टूटी है तो जिस अंग से
रक्त बह रहा है उसे ऊंचा उठा देना चाहिए, ठीक है, उसे ऊपर की तरफ, जिससे ब्लड ना बहे तो उसको ऊपर की तरफ उठा देना चाहिए। इससे रक्त का बहाव क्या हो जाएगा, कम हो जाता है और घाव को अच्छी तरह से साफ करके उस पर पिसी हुई फिटकरी भर देने से रक्त का बहना रुक जाता है। तो ये फर्स्ट एड की या प्राथमिक चिकित्सा का ये एक तरीका आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, घर पर किए जाने वाले उपचार भी हम इनको कहते हैं कि अगर किसी को चोट लग गई, ठीक है, और उसको ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले तो उसके उस हिस्से को जहां से उसको ब्लड निकल रहा है उसको ऊपर की तरफ उठा दे जिससे बहाव कम हो जाए, फिर घाव को अच्छी तरह से साफ करें। और साफ कैसे करें, डेटोल की मदद से, ठीक है, डेटोल से साफ कर सकते हैं। और साफ करने के बाद फिटकरी को पीस कर या पिसी हुई फिटकरी लेकर उस घाव पे लगा दे तो जो ब्लड का बहना है वो रुक जाएगा और फिर उसके बाद डॉक्टर के साथ संपर्क करें, है ना। ये भी नहीं कि फिर अपना ही उपचार चलाए जाए, अगर चोट ज्यादा है तो फिर डॉक्टर के साथ संपर्क करें। तो ये हो गया आपका पहला। अब दोस्तों, कोई भी चोट लगी हो, ठीक है, चोट लगी हो, हड्डी टूटी हो, या कोई व्यक्ति जल गया हो, किसी को सांप ने काट लिया हो, ठीक है, यानी कोई भी सिचुएशन, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले आपको समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ हुआ क्या, ठीक है, आप चाहते हैं कि उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिले, आप उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दें, तो कौन कौन सी चीजों का आप ध्यान देंगे उस समय, तो आप क्या क्या चेक करेंगे उस व्यक्ति में, आप देखेंगे कि क्या शरीर से कोई हड्डी टूटी है या नहीं, अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो क्या शरीर से कोई हड्डी टूटी है या नहीं, ये सबसे पहले आपको देखना है। फिर उसके बाद देखना है कि घाव कहाँ कहाँ हुए है इस व्यक्ति को, ठीक है, तो ये चेक करेंगे। फिर उसके बाद शरीर का कोई अंग दबाया कुचला तो नहीं गया, ये आपको चेक करना है अगर आप किसी को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं। ये बिल्कुल एक्सीडेंट अगर किसी का हो गया, उसको अस्पताल तक ले जाने में जो समय लगता है उस बीच ये चीजें की जा सकती है ताकि डॉक्टर को बताने में आसानी हो कि इसको यहाँ चोट लगी है, उसको समय भी बचेगा, ठीक है, बहुत जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और कुछ रोकथाम जो समय रहते की जा सकती है तो वो समय पर की जा सकती है। अंजना क्या रही है, नहीं टूटी है तो तोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आगे क्या है कि व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई तो नहीं हो रही है, अगर कठिनाई हो रही है तो आप उसको सांस लेने में उसकी मदद कर सकते हैं, कैसे, उसको अपने मुंह से सांस दे करके, ठीक है। और शरीर के किसी अंग से रक्त तो नहीं बह रहा है ये देखना है, अगर रक्त बह रहा है तो क्या करेंगे, उस हिस्से को ऊंचा उठा देंगे और साफ करके उस पर तब तक फिटकरी जो भी उस समय इस तरह की चीजें अवेलेबल हो पट्टे बांध देंगे उस पर, ठीक है, ताकि ज्यादा खून ना निकले। फिर देखना ये है कि कोई विष तो नहीं खाया है, ये तो थोड़ा अलग केस हो जाता है विष वाला, ठीक है, कि अगर कोई मूर्छित पड़ा है वो तो तब देखना होता है कि इसने कोई विष तो नहीं पी लिया, जहर तो नहीं खा लिया, ठीक है, तो ये चीजें सबसे पहले देखनी होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी होती है, ठीक है, प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी है ये ध्यान रखना है आप सभी को, बिल्कुल। तो क्या क्या हो सकती है, देखिए, अगर किसी आपसे कोई भी चोट बोली जाए कि उसको हाथ में चोट लग गई, पैर की हड्डी टूट गई या ये हो गया, ठीक है, इनमें कुछ ऐसे कॉमन उपचार मिलेंगे जो आप हर जगह लिख सकते हैं, आपसे किसी भी तरह की चोट के बारे में बात की गई हो क्वेश्चन में तो आप इनको लिख पाएंगे। सबसे पहला है, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या करेंगे, रोगी को कृत्रिम रूप से सांस दिलाएंगे, ठीक है, और रक्त का बहना रोकेंगे, अगर रक्त बह रहा है, शरीर ठंडा पड़ रहा है चोट लगने की वजह से, ठीक है, तो उसके शरीर को गर्म करेंगे, हाथ पैर उसके तलवे रगड़ेंगे, ऐसे हाथ रगड़ेंगे तो उससे क्या होगा, शरीर को गर्म रखने में मदद मिलेगी। दवा लगाकर पट्टी बांध देंगे, आसपास जो भीड़ होती है, अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है तो वहां भीड़ लगाकर लोग, इतनी जनता इकट्ठी हो जाती है, मदद करने वाले उसमें एक दो ही मिलेंगे लेकिन तमाशा देखने वाले वहां दुनिया इकट्ठी हो जाती है, तो उस आसपास की भीड़ को हटाए ताकि उसको ताजी हवा मिले, सांस लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है, तो आसपास की भीड़ को वहां से हटाए। तो ये कुछ आवश्यक बातें थी, ठीक है, प्राथमिक उपचार देने के लिए ये कुछ आवश्यक बातें हैं, अगर सांस लेने में दिक्कत है सांस देना, रक्त बह रहा है तो रक्त के बहने को रोकना, शरीर गर्म करना, उसको पट्टी बांधना, आसपास की भीड़ हटाना और फिर तुरंत उसको डॉक्टर के पास पहुंचाना, ये सभी क्या है, प्राथमिक उपचार है। अब दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है, ठीक है, कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है, आपसे कह देता है कि पांच सामग्री के नाम लिखिए,
हाँ बिल्कुल शिवानी, सबसे ज्यादा वहाँ वीडियो बनाने वाले मिलेंगे। ये नहीं कि उसको उठा करके उसको उसकी मदद करे कोई अकेला आदमी, उस व्यक्ति की मदद करने में लगा हुआ है, बाकी सब खड़े होकर वहाँ वीडियो बना रहे हैं। तो ये नहीं सोचते कि कभी अगर बाय चांस उसके साथ ऐसा हुआ जो वहां खड़ा होकर के वीडियो बना रहा है तो क्या होगा। ठीक है, ये चीज सोच करके देखिए, मानवता इसीलिए तो कहते हैं कि मानवता खत्म होती जा रही है। आपस में बंदर भी एक दूसरे की मदद कर देते हैं, अगर चोट लगती है किसी को सारे बंदर मिल करके उसकी मदद करते हैं, लेकिन इंसान की आजकल ये इंसानियत खत्म हो रही है। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, आप वास्तविकता से परिचित है आप लोग भली भांति, ठीक है, छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं है। तो बात करते हैं प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है। दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की और औषधियों की आवश्यकता होती है, और इन सबको एक डिब्बे में एकत्रित करके रखना चाहिए। हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका उपचार किया जा सके। ठीक है, तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखना अनिवार्य है या क्या क्या चीजें होनी ही चाहिए उसकी हम बात करते हैं। बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हम हैं अपने इस सिलेबस के, विज्ञान के, तो बहुत ही जोर शोर के साथ आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है, बिल्कुल उत्सुकता के साथ। तो फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी दवाइयां या कौन कौन सी चीजें होनी जरूरी है, उसमें रुई का होना, स्वच्छ रुई या कॉटन का होना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि चोट लगे पर वही तो आप रख करके पट्टी बांधेंगे, दवाई लगा कर उस पर। सुई धागा होना चाहिए, छोटी कैंची होनी चाहिए, एक साफ कपड़ा होना चाहिए, थर्मामीटर भी होना चाहिए, डिटोल, ठीक है, टिंक्चर, आयोडीन, ये घाव भरने के लिए यूज किया जाता है, फिटकरी भी आप रख सकते हैं, ग्लूकोज इत्यादि, ये सभी कुछ ऐसी दवाइयाँ या ऐसी आप कह सकते हैं चीजें हैं जो फर्स्ट एड में काम आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती है, आपको जो उस समय याद आए वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ये लिखनी है, तो चार पांच चीजें ऐसे आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट एड भी होता है ना, और बिल्कुल पट्टी होती है, बहुत बढ़िया। सुई धागे का ये पट्टी के लिए ही ये काम आ सकता है सुई धागा। सुई इसके लिए भी अगर किसी को कुछ चुभ गया है ना, तो सुई के हेल्प से उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये इन चीजों की जरूरत पड़ती है। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि अगर बिल्कुल कुत्ते ने काट लिया तो कौन सा रोग होगा। ठीक है, अगर अक्षार से जल जाए तो क्या लगाया जाता है, अगर अम्ल से जला है, एसिड से जला है, तो उसके ऊपर क्या लगाया जाए, जली हुई त्वचा पर क्या लगाए। ये कुछ छोटे छोटे उपचार है जो अगर क्वेश्चन यहां से बन जाता है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों पागल कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। इसमें पानी से डर लगने लगता है, इस रोग में क्या होता है, पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है हाइड्रोफोबिया में। तो पागल कुत्ते के काटने पर क्या रोग होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अक्षार से जलने पर क्या होता है, उसके ऊपर अम्ल लगाया जाता है तो उससे राहत मिलती है। ठीक है, अगर बेस से जला है तो उसके ऊपर अम्ल लगा दिया जाए तो आराम मिलेगा, और अगर अम्ल से जला है तो क्षार उस पर लगाने से क्या होगा, अक्षार का लेप लगाने से उसमें आराम होगा। अगर जली हुई त्वचा का उपचार कर रहे हैं और कुछ फर्स्ट एड अपनाना चाहते हैं तो उसमें बर्नोल का प्रयोग कर सकते हैं, नारियल के तेल का उस पर लेप लगा सकते हैं जहां से जल गया है। ठीक है, आंसू, ये जो आप वित्तीय भट्टी का बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं वन लाइनर की फॉर्म में मैंने इसको नोट कर लिया है, क्योंकि मैंने आपका प्रीवियस ईयर पेपर में देखा तो वहां मुझे ये क्वेश्चन मिला। ठीक है, इसको हम आगे कवर करेंगे, ये जब आपके वन लाइनर की सीरीज में लेकर के आऊंगी उसमें जो भी आपका इतना मितना टॉपिक कहीं इससे बाहर होगा उसको मैं उनमें इंक्लूड करूंगी। तो बिल्कुल आप बेशक चिंतित ना हो किसी भी चीज को लेकर के, अगर छोटी मोटी कहीं आपको लगती है ऐसी, हाँ हो सके तो अगर आप हेल्प करना चाहते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसा बच जाता है जो आप चाहते हैं कि इसको भी कराया जाए, तो आप एक काम करेंगे उसको एक पेपर पे लिखकर या फिर कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही आप उसको याद दिलाएं मुझे। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आपको मिलता है, क्लियर, ओके आशु, बिल्कुल इस टॉपिक को मैं आपको कराऊंगी, वत्या भट्टी। ये मैंने आपका आपका मॉडल चेक कर रही थी, मुझे उसमें ये टॉपिक आपका मिला, बुक में नहीं था ये टॉपिक आपका, इसीलिए इन वाले नोट्स में आपका शामिल नहीं था। ठीक है,
तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे, और बाकी कुछ भी अगर ऐसी चीजें रहती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सबको मैं वन लाइनर की फॉर्म में आपका लेकर के आऊंगी। एक ही क्लास में पूरी खत्म करेंगे हम उसको, मैराथन की तरह। ठीक, बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब यहाँ कुछ MCQs हैं कि चोट लगने पर रक्त बह रहा है तो क्या करें, प्राथमिक चिकित्सा में क्या क्या करना चाहिए, तो ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जल्दी जल्दी इनके आंसर कर दीजिए और आपका सिलेबस खत्म। जलने पर ठंडी दही लगा लो तो सही हो जाता है शाम तक। अच्छा, हो सकता है, पता नहीं, मैंने आज पहली बार सुना है ऐसा भी होता है जलने पर ठंडी दही लगाने पर। बिल्कुल, आपको जो नुस्खे याद आए घरेलू नुस्खे आप बिल्कुल लिख सकते हैं उसमें। आज खत्म हो ही गया सीमा, डांस कर रही है सीमा तो, और विनीता ने तो आज पकौड़ी बना ली थी, इस वजह से शाम को डीजे बजेगा। वही वाह, डीजे मत बजाना। आपको बताया था कि जब तेज ध्वनि सुनते हैं तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, तो इसलिए डीजे नहीं बजाना। डीजे तो अब एक बार ही बजेगा जब आप सरकारी मास्टर और मास्टरनी बन जाएंगे, तब बजवाना डीजे और मुझे भी बुलाना, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर करिए, पहले का क्या होगा। बहुत बढ़िया, सभी ने यहां पर ऑप्शन नंबर डी चुना है, पहले का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मरहम पट्टी करना, उसकी जान बचाना, घायल व्यक्ति को सांत्वना देना, सांत्वना देने से मतलब कि कुछ नहीं होगा तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है, ये होता है। ऐसे नहीं दी जाती सांत्वना की कोई बात नहीं, सबको एक ना एक दिन जाना ही है, आप उसके साथ बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो सांत्वना देनी यानी उसको थोड़ा पॉजिटिव फील कराना कि कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी चोट है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अभी। दूसरा क्या है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जीवन रक्षा हो सकती है, कैसे, प्राथमिक चिकित्सा से, चिकित्सालय ले जाकर, या व्यक्ति को उसके घर ले जाकर, या किसी प्रकार से भी नहीं होगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू मोनिका, सीमा, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करिए, सेकेंड का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करके उसकी मदद की जा सकती है। चोट लगने पर यदि रक्त बह रहा है तो क्या करेंगे, दवा पिलाएंगे, दवा लगाएंगे, या रक्त का बहना रोकेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपने सही चुना, रक्त का बहना रोकेंगे। इसके बाद सर्प के काटने पर उस स्थान पर क्या लगाया जाता है, लाल मिर्च, नोसादार या बर्नोल, ये कुछ दवाइयों के नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो सर्प के काटने पर क्या लगाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट लगाया जाता है। आंतरिक रक्त रसाव को कम करने के लिए क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है, अगर अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है तब क्या किया जाए, बर्फ की थैली रखकर उसका उसको सेक सकते हैं, ठीक है, या गीले कपड़े से लपेट सकते हैं, या सेक कर, या इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ से इसकी सिकाई करते हैं, अगर आंतरिक या अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है उससे बर्फ की थैली रख करके उसकी सिकाई की जा सकती है। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है गाइस, जिनको याद रखिएगा कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, अगर नाक से रक्त रसाव हो रहा है, कई बार नाक पर चोट लगने से नाक से खून आता है ना, तो तब क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन कितने मजेदार है इसके, घायल को उल्टा लिटा देना चाहिए, या कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए, या पीली पट्टी सुंघा देनी चाहिए। बताओ कोई लॉजिक है, पीली पट्टी सुंघाने से क्या नाक का ब्लड रुक जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी तो बहुत महान है, जूता सुंघाना चाहिए, बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, लास्ट में आज सिलेबस के खत्म होते होते यहाँ पर आपके राइटर को भी मजा आ गया, उसने भी ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हैं। तो जूता सुंघाने से कोई इलाज हो सकता है क्या। बहुत सही, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। बिल्कुल, बहुत ही मजेदार ऑप्शन दिए हैं, जूता सुंघाना, पीली पट्टी सुंघा देनी चाहिए, भाई क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है, किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाए तो उसको सर्वप्रथम क्या उपचार दिया जाता है, उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर
एक बाल्टी पानी उडेल दिया जाए, उसके ऊपर एक एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए, या फिर व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे या उसके कपड़ों को ही उतार देंगे, या इनमें से कोई नहीं। विनीता पूछ रही है, मैम आप कहाँ से है प्लीज बताइए। आपको मैं कैसे बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। देखिए मेरठ का नाम सुना है आपने, ठीक है, मेरठ जानते हैं, मेरठ कहाँ है, तो मेरठ के पास में एक जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर, तो मैं उसी जिले से हूँ, मुजफ्फरनगर जिले से, ठीक है। बिल्कुल कभी आप लोग आएंगे तो जरूर बताना, मिलेंगे कभी। मैम मेरे टेलीग्राम से सब कुछ उड़ गया, ज्योति कह रही है, क्यों भाई ऐसा क्यों उड़ गया, क्यों कबूतर बन गया आपके टेलीग्राम का, लिंक नहीं आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए डियर, ठीक है। मैं एक काम क्या करूंगी, मैं ना अभी जैसे आज की क्लास का लिंक मैंने मेन टेलीग्राम में भी डाला और जो आपका वो डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें भी डाला, तो उससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिल गई, क्योंकि कई सारे बच्चों के साथ ये परेशानी है कि जिनके पास लिंक नहीं जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्या हुआ। जब से डिस्कशन ग्रुप खुला है तब से ही ऐसी चीजें देखने को आ रही है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूर्छित व्यक्ति के प्राथमिक उपचार में क्या किया जा सकता है, उसको दूध पिलाना चाहिए, उसे अलग छोड़ देना, या उसे उल्टा कर देना, या व्यक्ति के मुंह पर पानी के छींटे मारकर हवा करना चाहिए। बहुत सही ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। क्या होगा सही जवाब? कुछ नहीं है पीली पट्टी सिंघम, ये तो वैसे ही लिखा हुआ है इन्होंने ऑप्शन में कि पीली पट्टी सुहा देना, जैसे जूता सुहा देना ऑप्शन था इसी तरीके से पीली पट्टी लिखा गया है, ठीक है। अच्छा अधीरा आप कहाँ से है, पड़ोसी कैसे हूं मैं आपकी बताइए मुझे। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अम्ल से जल जाने पर क्या लगाया जाता है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर अम्ल से जल जाए तो क्या होगा, तो उस पर क्षार लगाना चाहिए, ठीक है, क्षार लगाना चाहिए हल्का। और त्वचा के जलने पर क्या करना चाहिए, जले भाग पर बर्नोल या गोले के तेल का लेप करना चाहिए, या फोफलों को फोड़ देना चाहिए। अच्छा, जले पर कुछ नहीं लगाना चाहिए, जले हुए भाग को रगड़कर साफ करना चाहिए। ही कैसे ऑप्शन है भाई, इससे तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे कि जले हुए भाग पर क्या लगाना है, बर्नोल या गोले के तेल का लेप करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंगम कह रही है जूता सुंगाना एक बेस्ट ऑप्शन है। बिच्छू के काटने पर क्या होता है, बेचैनी, रक्त रसाव या असहनीय पीड़ा, क्या होता है? बेचैनी नहीं होती, ना ही ब्लीडिंग होती है, बल्कि असहनीय पीड़ा हो जाती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है बिच्छू के काटने से, ठीक है। और ज्यादा ब्लीडिंग तो इसमें नहीं होती बिच्छू के काटने से। आगे बात करें तेज बहते हुए रुधिर को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। बिल्कुल सीमा ऐसा क्यों हो रहा है, लिंक नहीं जा रहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसे क्या हो रहा है ऐसे। तो तेज बहते हुए रुधिर को रोकने का सर्वोत्तम उपाय इनमें से आप क्या चुनेंगे, ट्यूनिकेट बांध देना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है ट्यूनिकेट, क्या होगा उससे, यानी उस जहां रक्त बह रहा है उसके पास बंद लगा देना चाहिए। बंद लगाने से क्या होगा, फिर वो ब्लड नहीं बहेगा ज्यादा, ठीक है। प्याज का रस या कच्चा आम का पन्ना उसे दिया जाता है जिसको क्या हो जाता है, सांप ने काट लिया हो, या लू लग गई हो, या बिजली का झटका लग गया हो, या जिसका रक्त अधिक बह रहा हो, तो उसको प्याज का रस और कच्चा आम का पन्ना किसको पिलाया जाता है। बिल्कुल क्या होगा, किसको पिलाया जाता है ये,
तो जिसको लू लग जाती है, ठीक है, लू से बचने के लिए तो आम पन्ना बनाते हैं गर्मियों में, तो यही सही होगा इसका। 15वें क्वेश्चन का आंसर करिए। मैं बहुत पीछे कमेंट्स देख रही हूँ आपके, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं, इस वजह से मुझे नहीं मिल रहे थे आपके कमेंट्स। आपने तो दुनिया भर के कमेंट किए गए हैं कि जिसको लू लग गई हो, बिल्कुल सही। आंख में कोई वस्तु गिर जाने पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? आंखों को तेजी से मलना या तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, या आंखों में जैतून का तेल डाल देना चाहिए, या आंखों पर ताजे और स्वच्छ जल के छींटे मारने चाहिए? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ प्राथमिक उपचार की बात कर रही है, आंखों में तेल नहीं डालेंगे बल्कि स्वच्छ पानी के छींटे मारेंगे, ठीक है, बिल्कुल ताजे पानी से और स्वच्छ पानी से छींटे मारेंगे आंखों में, तो उससे निकल जाएगा जो भी आंख में गिरा है। अगला क्वेश्चन है, रक्त रिसाव होने पर कहाँ दबाव डालना चाहिए? दबाव बिंदु के स्थल पर, त्वचा पर, रोगी के सिर पर या रोगी के कंधों पर? तो भाई जहां से रक्त बह रहा है वहीं तो डालेंगे दबाव, ठीक है, सर पे या पैर पे डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दबाव बिंदु के स्थल पर ही क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। मिर्गी या हिस्टीरिया के कारण मूर्छा आने पर किया जाने वाला प्रथम उपचार, जिसको मिर्गी आती है उसके लिए प्रथम उपचार क्या होगा? रोगी को शुद्ध वायु में सीधे लिटा देना, या पुराना जूता सुंघाना, या पीली मिट्टी सुंघाना, या रोगी के मानसिक कष्ट को दूर करना? तो क्या होगा प्राथमिक उपचार? तो रोगी को शुद्ध वायु में सीधे लिटा देना, ठीक है, ये होगा इसका सही जवाब। अगला है, डिटोल का मुख्य कार्य क्या है? डिटोल का मूर्छा दूर करना, घाव को कीटाणु रहित करना, या रक्त रिसाव बंद करना, या जलन को दूर करना? तो बिल्कुल 18वें का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया, बी होगा, घाव को कीटाणु रहित करना, ठीक है। पागल कुत्ते के काटने पर प्रथम उपचार होता है क्या? घाव के आगे पीछे बंद लगाना, या कार्बोलिक अम्ल से घाव को जलाना चाहिए, या रक्त रिसाव रोकना, या अस्पताल लेकर इंजेक्शन लगवाना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें घाव के आगे पीछे बंद लगा दी, जिससे कि कुत्ते का जो सलाइवा है, ठीक है, पागल कुत्ते का, वो ब्लड के साथ फ्लो ना करे, तो आगे पीछे बंद लगा के फिर उसके ऊपर कार्बोलिक अम्ल लगाने से, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना, फिर डॉक्टर के पास ले जाना, फिर लगेंगे उसको इंजेक्शन। तो प्राथमिक उपचार ये देने के बाद फिर उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल ले जाना, ठीक है। आगे है 20वां प्रश्न है, खुली चोट पर क्या लगाया जाता है? खुली चोट पर डेटोल, आयोडेक्स, आयोडेक्स लगा सकते हैं क्या भाई? आयोडेक्स लगाने से तो बहुत ज्यादा जलन होगी, और भी नमक और पानी, या पिसा हुआ आलू? वाह क्या ऑप्शन है, बहुत मजा आया आज के ऑप्शन देख करके, पिसा हुआ आलू भी लगा सकते हैं। तो 20वें का क्या होगा बताइए, बिल्कुल ए सही है, डेटोल लगाया जाता है ताकि जितने भी उसके ऊपर आप कह सकते हैं जितने भी धूल मिट्टी या कोई ऐसे कीटाणु लगे हुए हैं उनको साफ किया जाता है डेटोल से, ठीक है। तो खुली हुई चोट पर डेटोल लगाया जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए। अब जिसको जो भी दिक्कत है वो जल्दी से पूछ ले, क्योंकि यहाँ हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, विज्ञान आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और कल इस समय आपकी ना इसी समय SST की क्लास चलेगी इस जगह, ठीक है, विज्ञान की जगह SST की क्लास चलेगी कल, और SST को ख़त्म करेंगे, और मैथ्स की आपकी शुरू हो ही जाएगी आज शाम 6 बजे से, ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको लिंक की प्रॉब्लम आ रही है, देखिए मैंने अपने भी फ़ोन से अपडेट कर लिया है टेलीग्राम कि कभी मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, लेकिन मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक लिंक जा रहा है, ठीक है, ऑलरेडी जा रहा है। अगर मेरी तरफ से कोई दिक्कत होती तो फिर किसी को ना मिलता लिंक, है ना, तो सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब ये है आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना अपडेट करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप अपडेट करेंगे प्ले स्टोर से जा करके, बिल्कुल। सीमा कह रही है बहुत खुशी हो रही है, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, सामाजिक अध्ययन को भी हम बहुत खींच के चलेंगे अब, बहुत बढ़िया,
थैंक यू क्यूट अधीरा। अच्छा एक और चीज़ आप सभी से मुझे डिस्कस करना है, मैं आज एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं अपने बैच के जितने भी बच्चे हैं उन सबका क्या उन सबका रेस्पॉन्स उसमें लूँगी, या आप कह सकते हैं रिव्यू लूँगी, ठीक है। तो एक वीडियो बनाऊँगी मैं छोटी सी और पब्लिकली वो वीडियो जाएगी, तो उस पर आप सभी को कमेंट करके अपना रिव्यू देना है आपको बैच में आकर, बैच में जुड़कर कैसा लग रहा है, कितनी चीज़ें समझ में आ रही है, आपके डाउट्स सोल्व किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, आपकी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है, ठीक है। आप बिल्कुल उसमें जेन्युइन आप अपना रिव्यू देना, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो मैं उस छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप सभी अपने रिव्यू देना, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स को जिनको जिन लोगों ने मुझसे कभी नहीं पढ़ा है या उनको थोड़ा डर लग रहा है कि भाई बैच लेने से पता नहीं क्या होगा, ठीक है, कहीं पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में आती है, तो उससे हेल्प मिलेगी उन सब लोगों को, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे ऋतु, आज फर्स्ट डे है, बाकी पीछे की क्लासेस कैसे लें। रितु एक काम करेंगे, मैं टेलीग्राम ग्रुप में एक बार फिर से सभी जितनी भी पीडीएफ्स बना दी गई है, अब तो जितनी पीछे क्लास हो चुकी है ना उन सभी का लिंक पीडीएफ में दे दिया गया है ताकि आपको अलग अलग ढूंढना ना पड़े, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको सारी की सारी एक जगह दिख जाएगी क्लास, कौन से सब्जेक्ट की कंप्लीट हो गई है, उस पर कोर्स कंप्लीट लिखा हुआ है, जिसकी जितनी हो गई है वो सभी क्लासेस उसमें डाली गई है, तो आप उन सभी क्लासेस को वहां से ले सकती है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में एक बार फिर से शेयर कर दूंगी, ओके। बिल्कुल मैथ्स की क्लास तो आज आप देखिए और बताइएगा मुझे, बहुत बढ़िया स्मार्ट एग्रीकल्चर, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों फिर शाम की क्लास में मिलना, अभी आप लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए और खाइए पिए, तब तक 6 बजे आपने अपनी मैथ्स की क्लास करनी है। वीडियो अभी तो लग जाएगा, देखो आधा घंटा तो बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा मैं भी खा पी लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर वो छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप अपना रिव्यू जरूर दे, हर एक से मैं कहना चाहूंगी, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे अब मेरी तो मुलाकात आपसे उसी वीडियो में होगी, ठीक है, जो रिव्यू वाली मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करूंगी, और फिर बाकी क्लास आपकी मैं कल लूंगी सुबह, अभी आपकी 6 बजे मैथ्स की क्लास होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। सीमा कह रही है मैम मेरी शादी भी है नवंबर में तो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। नहीं सीमा बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ये कंफ्यूज होने का समय बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो अभी, फिर अच्छे से इंजॉय करना अपनी मैरिज भी।